नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए 16 सोमवार की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ जी, महादेव जी, पार्वती जी के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें कैलाश पति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसा प्रश्न करने लगी कि हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात मान ली और चौसर खेलने लगी। उसी समय उस स्थान पर मंदिर के पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आए। माता जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताइए इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। पुजारी जी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठे कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर के बाद बाजी समाप्त हुई और पार्वती जी विजयी हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत अधिक समय बीत गया तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आती हैं और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े ही दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी, अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सभी व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत के बारे में उनसे पूछने लगा। तो अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो। स्वस्थ कपड़े पहनो, आधा सिर अच्छे बिने, स्वस्थ गेहूं का आटा ले, उसमें 3 अंग बनाए और घी, गुड़, नौवेद, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधिवत पूजन करें। तब पश्चात अंगों में से 1 अंग शिव जी को अर्पित कर दें, बाकी 2 अंग शिव जी को प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दीजिए और आप भी प्रसाद को खावें। इस विधि से अगर आप 16 सोमवार व्रत करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब पश्चात 17वें सोमवार के दिन सवा सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दीजिए। पीछे आप कुटुम्ब प्रसाद ले तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार का व्रत किया। तब भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ ही दिन बीते थे कि जब फिर शिव जी और पार्वती जी उसी मंदिर में आए, तब पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने पुजारी से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी शिष्य हुए व पुत्र हुए। कार्तिकेय को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था या कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब वे बोली कि इस व्रत को तो मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत ही दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनको मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन के भेद कार्तिकेय जी से पूछे तो वे बोले, हे मित्र,
हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसके जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी ही धूमधाम से कन्या का विवाह उस विप्र के साथ कर दिया और विप्र को बहुत सारा धन और सम्मान दे करके संतुष्ट किया। विप्र सुंदर कन्या पाकर सुखी से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन बहुत ही अच्छी तरीके से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माँ से प्रश्न करता है कि आपने ऐसा कौन सा तप किया था माँ, जो मेरे जैसा पुत्र आपकी गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो माता ने 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र को सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत सुना तो वह भी इस व्रत को राजाधिकार प्राप्त करने की इच्छा से करने लगा और सोमवार को यथा विधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई भी पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र ने अपनी प्रियतमा से सब सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या से दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और खुद नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब यह आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्राग्रह में आकर के अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब विस्मय में और बहुत दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई, बिना पदात्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूट बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर रानी ने उसकी सूट की गठरी उतार अपने सर पर रख ली, पर थोड़ी देर बाद ही ऐसी आंधी आई कि सूट पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के घर जाती हैं तो तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक जाते हैं। ऐसी दशा देख तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस तरह रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो उस सरिता के समस्त जल सूख गया। तब पश्चात रानी एक वन में गई, वहाँ जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई तो उसके हाथ
सफ़ेद जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने अपने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस दल जल को पान करके पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, तो रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपनी गायों को चारा और पानी ना मिलता देख बड़े दुखी भाव से ये सब कथा अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, उनसे कही। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई के पास गए। रानी की मुख क्रांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई सब जान गए कि यह अवश्य ही विधि और गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि मैं आपको पुत्री के समान रखूँगा, मेरे आश्रम में ही आप रहिए, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट होने नहीं दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है, इससे तेरी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी के पूजा करने को ना जाने की कथा कह सुनाई, तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि भाई जी, तुम सब मनोकामनाएं पूर्ण करने 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने को कष्ट से मुक्त हुआ जानो। गोसाई जी की बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, ना जाने कहां भटकती होंगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करी कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी हैं, शिव जी के कोप से मैंने इनका त्याग किया था, अब इन पर शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे इन्हें ले जाना चाहता हूँ, आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी की आज्ञा पाकर राजा और रानी एक साथ महल में गए। घर में मंगल गान गाए जाने लगे, पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र बनकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों को भोग करते आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। बोलो शिव जी महाराज की जय। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा उसके सारे कष्ट शिव जी की कृपा से दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।